अस्सलामुअलैकुम भाई, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। ऊँट भी ले लिया, बकरे भी ले लिए हैं, अब हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, मंडी जा रहे हैं। मंडी का आपको हालात भी दिखाते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं कि भाई मंडी के क्या रेट शेट हैं और हमारा क्या जानवर आता है थोड़े से पैसों में। चलते हैं मंडी की तरफ। लो भाई, हम लोग मंडी पहुँच चुके हैं। ये देखे जरा मंडी के हालात, बकरों वाली मंडी तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। एक एक जानवर है और चार चार जो है ना उसके ऊपर कस्टमर हैं, मतलब के गाहक हैं, जो गाहक कहते हैं। बिल्कुल खाली हो चुकी है मंडी। मंडी के अंदर इस कदर रश है इस टाइम के, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये रश आपको एक साल बाद दोबारा देखने को मिलेगा। ये गाड़ियां चेक करें, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके रोड के ऊपर देखते हैं, जो खड़ा होगा उसको हम लोग रेट शेट लगाएंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या रेट है इस टाइम। ये देखिए, अगर किसी ने कट्टा करना है तो यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी कट्टा। ये देखें जरा, इस टाइम बैड़े शेड़े जो है तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मजे गायें ये चीज़ें लोग रोड पर ले आए हैं, कट्टे शट्टे कोई बिक रहे हैं इस टाइम। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कि कोई हमें बकरा शकरा या कोई बच्चा छच्चा ही नजर आया। देखे जी, बच्चे लड़ रहे हैं जी, व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। रश चेक करें जरा, आप मंडी का रश चेक करें। रेस्क्यू की गाड़ी खड़ी हुई है कि इधर कोई बच्चा छच्चा मरे पर मामू से उठा के लेके जाए। मुआजे थे ऐसा चलाई कसम अल्लाह दी, किसी ना किसी वो सामने बच्चा भेज नहीं। अब देखो जी भाई, अब देखो जी, अब अच्छे से पूछने भैया तुंदे किन्ने पैसे ने? सवा चार लाख रुपया। चल जान देखिए, देखिए अभी हम लोगों ने एक बच्चे का पूछा, वो कहता सवा चार लाख रुपया। आप बताइए, सवा चार वाला है था? आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए जरा रोन के चेक करें जरा। ये रोन के आपको एक साल बाद नजर आनी है। ये देखें जरा, ये रोन के, ये हमारा चौगा है। ये चेक करें जरा, मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी है। जान अब हम लोग पहुंच चुके हैं ख्याली मंडी के अंदर और यहाँ पे देखते हैं इधर क्या रेट है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि बकरे ही ले लें, क्योंकि जो बैड है ना, बैड का बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और बैड इतना खूबसूरत जानवर कोई इतना रहा नहीं है अभी, क्योंकि टाइम बहुत हम लोगों ने अब कर दिया। चलते हैं आप मंडी के अंदर। ये देखिए जरा, रश चेक करें सिर्फ, आप मंडी के अंदर रश चेक करें जरा। जेब कतरों से होशियार रहे हैं, जेबों में बड़े कतरन वाले आए हैं इतने। पानी बखाओ, इनू बखाओ, पूछ मुआज इसका ये धुंद है। चलो आइयो, आजा मुआज, आजा मुआज, आजा 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 आजा। इस वजह से हम सारे कहते हैं कि जो कुर्बानी है ना, पहले पहले ले रही है। देखे चांद रात वाले दिन हालात देखे दे रहे हैं, किस तरह एक बकरे के ऊपर चार चार कस्टमर हैं। जानवर इस दफ़ा कम है तो अब हम जा रहे हैं आगे आगे, देखते हैं आपको, देखते हैं कोई हमें खूबसूरत सा कोई बकरा या फिर छतरे नज़र आ जाए। ये तो छोटे छोटे ए नहीं हुए, चल जान दे पागला खिलाड़ी नू। चल 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 चल, तुरदा जा तुरदा जा तुरदा जा तुरदा जा यार, चला भी नहीं जा रहा है, इतना रश है। ये आए, ये देखे जी हम लोग बकरे का पूछने आ दोंदा जी, भैया ने कितने पैसे ने? नहीं आया चिट्टा, चार लाख सलाम आदा। आप खुद देखे जरा इसके काम चेक करे, चार चार लाख रुपया अभी भी चांद रहा था, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। भैया तो जी हाँ लोग, भैया हम लोग आ गए थे बच्चों वाली मंडी, जिधर हम लोगों को भी कोई रेट समझ में नहीं आया और अब हम लोग जा रहे हैं घर अपने वापस, क्योंकि मंडियों की कोई समझ नहीं लग रहा तो घर जाते हैं अब यहाँ से। मिट्टी देखें जरा कितनी ज़्यादा, मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी है। आपको मैंने पहला दिन भी दिखाया था और ये आखिरी दिन है मंडी का चेक करने, मंडी तकरीबन खाली हो चुकी है सारी। और जैसे कि अब हम लोग, आपको बताया कि हम लोग अब घर जा रहे हैं वापस, मैं भी तल्ला भी, वो देखिए वो मुआज भी जा रहा था सामने। और इस दफ़ा ऐसा हुआ है तरीक में कि व्यापारी जीत गए हैं और आवाम हार गई है, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा जानवर ही नहीं ले गए, वो
गुजरावाला में तो नहीं जानवर आया, दूसरे शहरों का पता कोई नहीं है। बकरे तो एक जो बकरे जो रह गए हैं उनका 4.5-4 लाख रुपया दुम्बों का मांग रहे हैं, बैलों का मांग रहे हैं। उधर आप क्या रेट देंगे मुझे बताएं। हम लोगों ने एक दुम्बे का लगाया 2.25 लाख रुपया, कहता है ये 3 का भी नहीं बनना, 3.5 से कम नहीं देना। तो आप बताएं कि भाई इस दफ़ा यही हुआ है कि भाई व्यापारी जीत गए हैं और आवाम हार गई है। और जिस जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सुबह आपको इंशाल्लाह कुर्बानी भी दिखाएंगे अपनी किस तरह दिखा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।